नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और 11 प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे हम मधुपुर के जनादेश की। मधुपुर विधानसभा सीट पर जेएमएम का कब्जा बरकरार है। जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन ने बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण को शिकस्त दी है। मधुपुर की जनता ने सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगा दी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सभा सीट पर जेएमएम का कब्जा बरकरार। मधुपुर उपचुनाव जीते मंत्री हफीजुल हसन। मधुपुर में आगे बढ़ी हाजी हुसैन की विरासत। मधुपुर की जनता ने हफीजुल पर जताया भरोसा। उपचुनाव में महागठबंधन की जीत की हैट्रिक। दुमका बेरमो के बाद मधुपुर में महागठबंधन की जीत। उपचुनाव में महागठबंधन ने जीत की हैट्रिक लगाई है। दुमका बेरमो के बाद मधुपुर उपचुनाव भी महागठबंधन ने जीत लिया है। मधुपुर विधानसभा सीट पर जेएमएम का कब्जा बरकरार है। दिवंगत हाजी हुसैन की विरासत को मंत्री हफीजुल हसन आगे बढ़ाने में सफल रहे। गुरु जी का विश्वास, हेमंत बाबू का प्यार और हाजी साहब का श्रद्धांजलि का जीत है। इतना बड़ा रिक्स हमारे हेमंत बाबू लिए थे कि बगैर विधायक बने हुए मुझे मंत्री बना दिए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मधुपुर की जनता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर चुन करके रांची भेजे। अपनी जीत के प्रति हफीजुल हसन आश्वस्त, लेकिन वोटों की गिनती जब शुरू हुई तो पहले राउंड में ही हफीजुल हसन लड़खड़ा गए। लगातार 5 राउंड तक हफीजुल हसन पिछड़ते नजर आए। छठे राउंड से हफीजुल ने जो बढ़त बनाई वो जीत में तब्दील हो गई। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मधुपुर की जनता को धन्यवाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के विगत 1.5 वर्षों के कार्यकाल में 3 उपचुनाव में अपना समर्थन और आशीर्वाद व्यक्त कर दुमका बेरमो और आज मधुपुर में जो आशीर्वाद हम लोगों को दिया, हमारे पक्ष में फैसले को जनता ने सुनाया है। और हम समझते हैं जो राज्य सरकार ने एकजुटता के साथ और पूरी शिद्दत के साथ कोरोना काल के दौरान जो काम किया था, उसका आज नतीजा है कि हम 3 उपचुनाव जीत। मधुपुर में महागठबंधन के विजय रथ को रोकने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ चुनावी सभा की थी, फिर भी जीत का स्वाद गंगा नारायण नहीं चख सकी। बहुत ही करीब में है और मैं इसको हार नहीं मानता हूँ, मैं हार करके जीता हूँ ये मैं कहता हूँ, क्योंकि जनता का इतना बड़ा प्यार जो मिला है यह है। पर हाँ, जीत जीत होती है। मैं हफीज को मैं बधाई देना चाहूंगा और मधुपुर के लिए वो अच्छा करें, क्योंकि उनके पास मंत्रालय है। एक साल के विकास कार्यों के मुद्दे पर हेमंत सरकार मधुपुर उपचुनाव लड़ी थी। जनता ने सरकार के कामकाज पर मुहर लगा दी। बीजेपी के तमाम आरोपों को जनता ने नकार दिया। जनता की उम्मीदों पर हेमंत सरकार खरा उतरती नजर आ रही है। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए किसी सबक से कम नहीं है। लगातार 3 उपचुनाव बीजेपी हार चुकी है। संगठन की गुटबाजी अब पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से मनीष के साथ उपेंद्र और राजेश की रिपोर्ट। तो मधुपुर में हफीजुल अंसारी ने बाजी मार ली है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मधुपुर की